शैल वी स्टार्ट? शुरुआत करें, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसका। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, शायद सबको याद है, उसका भी रिवीजन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी तक डिस्कस हुआ है उसके रिवीजन से करते हैं हम शुरुआत। तो इशू का प्रोसीजर अपन ने डिस्कस किया था अंडरराइटिंग में सबसे पहले। तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करती है तो पब्लिक इशू के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है? सबसे पहले क्या इशू होता है? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है? डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है पब्लिक को। किसके लिए इनवाइट करता है? शेयर्स परचेस करने के लिए, ठीक है। सो कंपनी के जो भी शेयर्स है वो आप खरीद लीजिएगा, ऐसे की इन्विटेशन दिया। इन्विटेशन मिलने के बाद पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म भरती है और शेयर्स के लिए क्या करती है? अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करते वक्त मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट होना जरूरी है? 90% अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है तो ही क्या हो सकता है? अलॉटमेंट। क्या हो सकता है? अलॉटमेंट। तो कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। याद करना जरूरी था इसलिए रिवाइज किया। शायद घर पे सब लोग रिवाइज करके आए हैं, रोज रिवाइज करना है दोस्तों। और आप रिवाइज करेंगे तो क्लास में फिर से मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपने रिवाइज करना जरूरी है। उसके बाद अपन ने अंडरराइटिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कंपनी जब भी पब्लिक इशू करती है, पब्लिक इशू करने के बाद अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता 90% वाला, तो शेयर्स अलॉट कर सकती है या अलॉटमेंट करना अलाउड नहीं है? तो रिस्क है। अगर समझो पब्लिक 90% शेयर्स नहीं खरीदती तो गड़बड़ हो सकती है, इशू कैंसिल करना पड़ सकता है, ऐसा ना हो। इसलिए इशू से पहले कंपनी किसको अपॉइंट करती है? इश्यू से पहले कंपनी किसको अपॉइंट करती है? अंडरराइटर्स, ठीक है। ये अंडरराइटर्स क्या करते हैं? कंपनी को क्या देते हैं? गारंटी। किस बात का एश्योरेंस देते हैं? अगर शॉर्टफॉल होता है तो शॉर्टफॉल हम परचेस करेंगे, आप चिंता मत करो, आप बिंदास पब्लिक इशू करो। तो ये सब होता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग। उसके बाद कंपनी पब्लिक इशू करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने के बाद अगर कुछ शेयर्स बचते हैं तो जो शॉर्टफॉल है वो कौन खरीदने का काम करेगा? अंडरराइटर्स विल मेक गुड द शॉर्टफॉल। इसको ही अपन अंडरराइटिंग कहते हैं, समझते हैं? शायद सबको समझ में आ रहा है, सब लोग जाग रहे हो, जागते रहियो, समझते रहियो, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये अंडरराइटिंग का कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद अपन ने ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। सो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किए थे, कौन से? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग अपन ने डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या होता है, कितनी पार्टीज होती है? तीन पार्टीज। पहला प्रिंसिपल क्रेडिटर, किसको गुड्स सेल करता है? प्रिंसिपल डेटर को। डेटर उसके बदले क्या मांगता है? क्रेडिट पीरियड। कितने मंथ्स का मांगा था हमारे केस में? 3 मंथ्स। लेकिन 3 मंथ्स के बाद अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो बीच में कौन आ जाता है? श्योरिटी। श्योरिटी बोलता है चिंता मत करो, अगर डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी विल मेक द पेमेंट टू होम? क्रेडिटर। और बाद में श्योरिटी किससे पैसा रिकवर करेगा? डेटर से पैसा, प्रिंसिपल डेटर से पैसा रिकवर करेगा। इसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। जिसमें श्योरिटी का कोई लॉस होता है या नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। अब क्या अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या, जहां पे अंडरराइटर गारंटी देता है कि मैं शेयर परचेस करूंगा अगर पब्लिक नहीं खरीदती, या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? तो इसलिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में डिस्कशन किया था, शायद सबको याद हो, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने एग्जाम्पल में 2 लोग लिए थे, ठीक है। पहला जो जिसको अपन इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है ना। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, इफ इन केस, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते वक्त आपने क्या पे किया? प्रीमियम। अगर आपके गाड़ी का क्या हो जाता है? एक्सीडेंट। अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? क्लेम पे करेगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द पेमेंट ऑफ क्लेम, यानी सारे एक्सपेंसेस, आपके एक्सीडेंट का जितना भी खर्चा हुआ है, दैट शैल बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो अल्टीमेटली लॉस कौन बेयर करता है? इंश्योरेंस कंपनी। लॉस कौन बेयर करता है? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सो वैसे ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जो खासियत है, जहां पे जो इंश्योरर होता है वो लॉस बेयर करता है, अंडरराइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट में अंडरराइटर शॉर्टफॉल का लॉस बेयर करता है, वो ये लॉस किसी के ऊपर पास करता नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग की खासियत थी। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है, ये समझने के बाद, ठीक है। अपन ने नेक्स्ट डिस्कशन किया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग होते हैं उसमें अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, उसमें से एक क्लॉज कौन सा? लाइबिलिटी। तो अंडरराइटर की लाइबिलिटी कितनी टाइप्स की डिस्कस की अपन ने? 2। कौन सी? 2 टाइप्स की लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी और एक्चुअल लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी कब फिक्स होती है? इशू के बाद या इशू से पहले? इशू से पहले जो लाइबिलिटी फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस। और इशू के बाद जो लाइबिलिटी फिक्स होती है वो एक्चुअल। ओके,
ऐसे दो प्रकार की लाइबिलिटी होती है। ये समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल भी लिया था कल, शायद वो सबको याद होगा। ठीक है, एग्जांपल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अंडरराइटर को या पब्लिक को, पब्लिक, लेकिन उसके पहले कंपनी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेगी, अंडरराइटर। ठीक है, अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है और अंडरराइटर को बताती है कि अपन कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं अंडरराइटर। अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो तू कितने शेयर खरीदेगा? अंडरराइटर ने बोला मैं 100% शेयर्स खरीदूंगा, यानी पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो पूरे 1 लाख शेयर्स कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया? कंपनी का। तो कंपनी ने शेयर्स बाद में किसको इशू किए? पब्लिक। पब्लिक ने कुछ शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे? 70,000। बचे कितने? तो ये बचे हुए 30,000 शेयर्स किसने खरीदे? अंडरराइटर ने खरीदे। सो 30,000 शेयर्स के लाइबिलिटी को हम कौन सी लाइबिलिटी कहेंगे? एक्चुअल लाइबिलिटी। ठीक है, यानी पब्लिक इशू होने के बाद जो बचे हुए शेयर्स थे वो अगर अंडरराइटर खरीद लेता है तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? ठीक है, अगर पब्लिक इशू होने से पहले अंडरराइटर ने ये बताया था अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो मैं कितने शेयर खरीदूंगा, पूरे 100% यानी 1 लाख शेयर्स, उसको अपन कौन सी लाइबिलिटी कहते हैं? दैट इज नोन एज ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ग्रॉस लाइबिलिटी इशू के पहले फिक्स होती है, एक्चुअल लाइबिलिटी इशू के बाद कैलकुलेट होती है। इशू के बाद क्या होती है? आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस, सबको समझ में आ गया। ओके, लाइबिलिटी के बाद नेक्स्ट डिस्कशन दोस्तों अपन ने किसका किया था? कमीशन। कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था। सो कमीशन के बारे में दोस्तों अपन ने क्या डिस्कस किया था? कमीशन के बारे में, ठीक है, हाँ, अंडरराइटर का जो कमीशन है, अंडरराइटर का जो कमीशन है वो उसको किसके लिए मिलता है? कौन किसको कमीशन पे करता है? कंपनी किसको कमीशन पे करते हैं? अंडरराइटर। तो अंडरराइटर के लिए कमीशन इज एन इनकम रिवॉर्ड, वेरस कंपनी के लिए कमीशन इज एन एक्सपेंस। ओके, सो अब दोस्तों ये कमीशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था बताइए जरा? ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। अंडरराइटर को कमीशन एक्चुअल लाइबिलिटी पे मिलती है या ग्रॉस लाइबिलिटी पे? ग्रॉस लाइबिलिटी पे है। ठीक है, उसने जितना रिस्क लिया है टोटल रिस्क पे उसको मिलता है कमीशन, एक्चुअल लाइबिलिटी पे कमीशन नहीं है। इनटू मल्टीप्लाई किससे करना है? इशू प्राइस। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है कि फेस वैल्यू पे कमीशन कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई करते वक्त इशू प्राइस पे से मल्टीप्लाई करने के बदले किससे मल्टीप्लाई करोगे? फेस वैल्यू। इनटू रेट ऑफ कमीशन के बारे में भी डिस्कशन किया था। इज देयर एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेट ऑफ कमीशन? यस। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स 5%, इशू ऑफ डिबेंचर्स, वेरी गुड। आई होप ये डिस्कशन सबको समझ में आ गया था, ये हमने लिख भी दिया था। उसके बाद हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। ओके, सीरियल नंबर 1 क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। सीरियल नंबर 2 ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स। ठीक है, सो ग्रॉस लाइबिलिटी इन परसेंटेज क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप क्या ढूंढेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स, उसमें से क्या माइनस होगा? क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि क्रेडिट कैसे मिलता है। अगर कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन? कंप्लीट अंडरराइटिंग यानी कितना परसेंट लाइबिलिटी है? 100%, पूरी 100% लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का पूरा क्रेडिट मिलता है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का पूरा। लेकिन अगर पार्शल अंडरराइटिंग का केस है, पार्शल अंडरराइटिंग यानी एग्जैक्टली 100%, मोर देन 100% या लेस देन 100%, तो उसको अपन कौन सी अंडरराइटिंग कहते हैं? पार्शल। पार्शल अंडरराइटिंग के केस में कितना क्रेडिट मिलता है? पूरा या प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट। ये क्रेडिट लेने के बाद जो आएगा उसको अपन क्या कहेंगे? एक्चुअल लाइबिलिटी। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अब एक्चुअल लाइबिलिटी आने के बाद अगर आपको कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला तो सीरियल नंबर 5 कमीशन का आएगा। कमीशन का कैलकुलेशन सीरियल नंबर 2 इंटू इश्यू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन, याद है? आगे हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आपने क्या वो रिवाइज किए हैं? पक्का? ओके, शायद 3 किए थे और एक मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये फर्स्ट सेकंड क्लास में हो चुका था अपना, उसके बाद थर्ड भी हुआ था शायद ये वाला, है ना? ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाला हमने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था। लेट अस डिस्कस दिस। होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था एक्स लिमिटेड इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 एट 5% प्रीमियम। तो व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 10 रुपया फेस वैल्यू है, 5% प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस क्या हो गई? 10.5, करेक्ट। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विद 60% लाइबिलिटी, यानी ये कंप्लीट अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है या पार्शल? तो आपने सीरियल नंबर 1 ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज कितने लिखे हैं? 60%। सीरियल नंबर 2 ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स 1 लाख के 60% कितने आएंगे? 60,000। सबने इतना ही लिखा,
सीरियल नंबर 3 लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. सो पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 80,000. पूरा क्रेडिट मिलेगा या 80,000 के 60%? 80,000 के 60%. यानी आपने क्रेडिट कितना लिया? 48,000. सही किया है सब लोगों ने. 80,000 के 60% 48,000 शेयर्स का क्रेडिट मिला. तो अंडरराइटर की ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में थी 60,000, क्रेडिट मिला 48,000. तो एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आई? 12,000. कितने लोगों ने करेक्ट आंसर सॉल्व किया है 12,000 वाला? वेरी गुड. सब लोगों ने. कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया? कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया? यार कैडबरी कोई भी नहीं देगा मुझे. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, पहले शुरुआत में सब लोग जोश जोश में होमवर्क करते हैं, बाद में तो मेरे ही दिन आता है, कैडबरी कैडबरी मिलती है मुझे. चलो, उसके बाद कमीशन. अच्छी बात है, ऐसे ही होमवर्क करते रहिएगा, रोज रिवाइज करते रहिएगा. ठीक है, आपको शायद कल रिवीजन के लिए हार्डली 10-15 मिनट्स लगे होंगे, उससे ज्यादा नहीं, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो. सबने किया है ना रिवीजन? बस उतना ही टाइम लगता है. दो दो चार चार घंटे एक सब्जेक्ट लेके बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जस्ट सिट फॉर ओनली 10-15 मिनट्स, दैट्स इट. बाद में बिंदास टाइम पास करो. पर सब्जेक्ट 10-15 मिनट रोज का दो, आपका पढ़ाई आराम से हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, प्रॉब्लम उनको होता है जो अपनी पढ़ाई एक्युमुलेट करते हैं. ठीक है, यानी आप ऐसे अगर एक दो हफ्ते पढ़ाई नहीं करोगे और बाद में बुक लेके बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ा माउंटेन लगेगा, ये मुश्किल लगेगा रिवाइज करना. तो ऐसा नहीं करने का कभी भी, जितना होता है उतना 15-15 मिनट रोज रिवाइज करना रेगुलर बेसिस पे. बिल्कुल ज्यादा टाइम मत दो, आप आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल एंजॉय करो, जिसके साथ करना है सेलिब्रेट आपको आपका दिन, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन 15 मिनट ऑनेस्टली आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए देना है. जितने भी दिन भर में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बस 15-20 मिनट इज सफिशिएंट. ओके, कमीशन कितना आया इसका? 15,750. ओके, यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करते वक्त सीरियल नंबर 2 60,000 शेयर्स थे, इनटू इश्यू प्राइस 10.5 था, इनटू रेट ऑफ कमीशन 2.5%. ऐसे ही कैलकुलेट किया है. कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सो यहां तक का कैलकुलेशन सबको समझ में? इसके आगे का कैलकुलेशन समझने के लिए एक नया कंसेप्ट आज हम आपके सामने लेके आए, ध्यान देके सुनिएगा. टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, इसके ऊपर होगा आज डिस्कशन. क्या हम कर सकते हैं शुरुआत? चलो दोस्तों, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग अभी कुछ मत लिखो, लिखने के लिए बिल्कुल समय देंगे. देखो, पेन का इस्तेमाल तब करो जब दिमाग में कुछ गया हो. ठीक है, अपना स्ट्रेटेजी भूलना नहीं, पहले लेक्चर से आपको बताते आया हूं. ठीक है, अगर आपको चीज समझी तो लिखो, सॉल्यूशन भी अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन तो ही लिखो, अगर नहीं समझा तो लिखने का नहीं. ठीक है, जो अपने को नहीं आता वो लिख के फायदा क्या है? ठीक है, जो चीजें आती है वही लिखने का. तो इसके लिए पहले समझ लो 100%. इफ यू आर हैप्पी दैट आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देन ओनली यूज द मेक द यूज ऑफ योर पेन. सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. दोस्तों, अंडरराइटिंग के टाइप्स दो है, एक सिंगल और एक को अंडरराइटिंग, या उसी को हम ज्वाइंट अंडरराइटिंग कहते हैं. सिंगल यानी आप समझ सकते हो, सिंगल सब लोगों सिंगल तो जल्दी समझ में आ जाता है. ओके, सिंगल यानी कितने होंगे? एग्जैक्टली इसका मतलब कौन एक? एक कंपनी जब एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है. एक कंपनी जब एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है तो उसको अपन कौन सा अंडरराइटर कहते हैं? सिंगल. ठीक है, सो सर सिंगल अंडरराइटिंग कब होता है? ठीक है, सिंगल अंडरराइटिंग कब होता है? सिंगल अंडरराइटिंग, हाँ बिल्कुल मजे लीजिएगा लेकिन कंसेप्ट भी समझ लीजिएगा. ओके, सिंगल अंडरराइटिंग दोस्तों तब होता है जब इश्यू साइज कम होती है. क्या कम होता है? यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी इश्यू करी है 10,000 शेयर्स. कितने शेयर्स? ऑफ फेस वैल्यू 100 एट पार. 10,000 शेयर्स 100 रुपया फेस वैल्यू के एट पार इश्यू हो रहा है. तो अगर 100% लाइबिलिटी भी किसी अंडरराइटर पे आ जाती है तो 10,000 × 100 कितना हो गया? 1 करोड़. नहीं, ठीक से कैलकुलेट करना. 10,000 × 100 10 लाख. तो अंडरराइटर को अगर शेयर खरीदने भी पड़ेंगे सारे के सारे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 10 लाख. उतना अमाउंट अंडरराइटर के पास होता है. तो एक सिंगल अंडरराइटर ऐसे केस में काफी हो जाता है, वो पूरा रिस्क एक साथ बेयर कर सकता है. ठीक है, क्योंकि कंपनी का अगर एक भी शेयर खरीदता नहीं, अगर समझो अंडरराइटर सारे शेयर खरीदने का डिसाइड कर लेता है, तो उतने शेयर्स खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा होना चाहिए. तो अगर अमाउंट कम होगी इशू की तो उतना अमाउंट अंडरराइटर के पास होगा, तो 100% अंडरराइटिंग करता है.
लेकिन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जब शेयर्स इशू करती है तो उनका इशू का अमाउंट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स इशू करेगी तो 100 करोड़, 1000 करोड़ का इनका इशू साइज होगा, यानी एट ए टाइम 1000 करोड़ रुपया वो शेयर इशू करके रेज करते हैं। अब समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपको अंडरराइटर करके अपॉइंट कर रहा है, उन्होंने बोला देखो हमारे इशू साइज 1000 करोड़ रुपीज का इशू साइज है, 1000 रुपीज नहीं 1000 करोड़ रुपीज है, 1000 करोड़ रुपए का इशू साइज है, ठीक है। सो वी वॉन्ट यू टू अपॉइंट एज अंडरराइटर, वी वॉन्ट यू अपॉइंट यू एज अंडरराइटर, तो आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर टू अंडरटेक द लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 1000 करोड़। तो आप सोचते भाई देख 1000 करोड़ का यानी इशू साइज है, उसके समझो 20% भी लाइबिलिटी पकड़ते हैं अपन, 20%, तो 1000 करोड़ के 20% यू कैलकुलेटेड रफली द अमाउंट केम टू 200 करोड़, 200 करोड़। सो इज इट पॉसिबल फॉर ए सिंगल अंडरराइटर टू बेयर द लाइबिलिटी ऑफ 200 करोड़? बहुत मुश्किल हो जाएगा, 20% भी लाइबिलिटी आती है तो 200 करोड़ रुपया कहां से रेस करे। तो जब कंपनियों का इश्यू साइज ज्यादा होता है ना तो कंपनी एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करके उसी के ऊपर पूरा रिस्क डाल देगी या कंपनी दो तीन अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त मल्टीपल अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है। एक अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे या मल्टीपल? मल्टीपल। तो क्या कंपनी को ऐसा करना अलाउड है क्या? क्या अपना सेबी कंपनीज एक्ट अलाउ करता है? बिल्कुल, क्योंकि एक सिंगल अंडरराइटर के ऊपर रिस्क देने के बदले मल्टीपल अंडरराइटर्स के ऊपर रिस्क देते हैं, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिस्क हेज हो जाता है। तो जब कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ज्वाइंट अंडरराइटिंग, या उसी को क्या कहते हैं, को अंडरराइटिंग। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच? सिंगल अंडरराइटिंग में क्या होता है, एक कंपनी एक अंडरराइटर, को अंडरराइटिंग में क्या होता है, एक कंपनी एक से ज्यादा। कल तक अपन ने कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए दोस्तों, सिंगल अंडरराइटिंग के, एक ही कंपनी थी और हमारे क्वेश्चन में एक ही अंडरराइटर था, अब एक कंपनी रहेगी और एक से ज्यादा अंडरराइटर्स। तो सर इनके लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बस कॉलम बढ़ेंगे, ठीक है। अमाउंट का जो कॉलम बनाते थे ना, अब जितने अंडरराइटर उतने कॉलम, तीन अंडरराइटर अपॉइंट किए तो तीन कॉलम, चार अपॉइंट किए तो चार, पांच, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कितने अंडरराइटर्स अपॉइंट करना। सर जब कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट करती है तो क्या हर एक अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा क्या? बोलिए बोलिए। यस, ठीक है, क्योंकि सबकी लाइबिलिटी सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। एक अंडरराइटर को पहले को पूछ लिया समझो हमने कि भाई तू कितनी लाइबिलिटी ले सकता है, बोला मैं 20% लाइबिलिटी लूंगा। कितना परसेंट, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। पहला अंडरराइटर बोला आई एम रेडी टू अंडरटेक द लाइबिलिटी ऑफ 20%, दूसरा अंडरराइटर बोला I am ready to undertake the liability of 40%. कितनी liability undertake करने के लिए तैयार है वो? 40%. तीसरा underwriter बोला I am also ready to undertake the liability of 40%. तो सबका liability same होगा ऐसा जरूरी है? अब बताइए ये complete underwriting का केस है या partial? Complete या partial? तो को underwriting, अब सिंगल underwriting के केस में टेंशन नहीं होता, अगर इस बंदे ने 100% liability लिया है तो इसको अपन क्या कहते हैं, कंप्लीट। अगर इस बंदे ने 80% लाइबिलिटी लिया होता तो उसको अपन क्या कहेंगे, पार्शल। तो सिंगल अंडरराइटिंग के केस में एक ही अंडरराइटर होता है, एक ही अंडरराइटर 100% लाइबिलिटी लेता है तो कंप्लीट होती है, 100 से लेस लेता है तो पार्शल। लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो क्या करना है, सबकी टोटल लेना। एक से ज्यादा अंडरराइटर्स होंगे तो क्या करो, सबकी टोटल लो। तो 20% प्लस 40% प्लस 40% टोटल कितनी आती है, 100। अगर ये 100% आ रही है तो केस कौन सा है, कंप्लीट का। लेस देन 100% टोटल आ रही है तो पार्शल का। जेपा, ओके। अब आगे कमीशन सबका सेम होगा या अलग अलग? तो हो सकता है कमीशन का रेट कंपनी हर एक अंडरराइटर के लिए अलग अलग फिक्स करे, किसी को 2% दे, किसी को 3%, किसी को 4%, है ना, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एज फार एज आर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, अपनी एग्जामिनेशन में जनरली सबका रेट ऑफ कमीशन सेम, यानी इसको भी 2% उसके लाइबिलिटी पे, इसको 2%, इसको 2%, लेकिन अलग अलग दिया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। बस हर एक का कमीशन कैलकुलेट करते वक्त उसका रेट यूज करो। सबको समझा? जेपा पक्का? चलो, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को अंडरराइटिंग एंड सिंगल अंडरराइटिंग? थियरी में क्वेश्चन आता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? बस ऐसे चार्ट निकाल के, वहां पे इमेजेस नहीं निकालनी है, आपको लिखना है। क्या लिखोगे बताओ? सिंगल अंडरराइटिंग में कितने लोग होते हैं? कंपनी अपॉइंट्स ओनली है सिंगल अंडरराइटर। सिंगल अंडरराइटिंग कब फिजिबल है, कब वायबल है?
when the issue size is less. So in that case a single underwriter can bear the entire risk. Okay, co-underwriting kab karte hai? When the issue size, the risk involved is high, then in that case, yes, there are more than one underwriters. This is known as co-underwriting risk. Theek hai, co-underwriters ko appoint kaun karte hai? Company. Contract किसके बीच में होता है? Company और co-underwriter. हर एक की liability fix होती है, बाकी सारी चीजें same. ठीक है, अब ये लिखने से पहले ठीक है, और एक डिस्कशन होने वाला है. क्या डिस्कशन है समझ लो. अब यहां पे पहला co-underwriting दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब ये को सिंगल दोनों अंडरराइटिंग में ऐसे हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल को अंडरराइटिंग में अपन एग्जांपल लेते हैं, वहां पे पहला अंडरराइटर था, समझो इसका नाम अपन रखते हैं एक्स. क्या नाम रखते हैं इनका? मिस्टर एक्स. सो एक्स ने लाइबिलिटी लिया 20% का. कितने का लाइबिलिटी लिया है? 20% का लाइबिलिटी लेने के बाद उसको ऐसे लग रहा है कि 20% लाइबिलिटी उसने तो कंपनी से ले लिया, 20% का लाइबिलिटी उसने तो कंपनी से ले लिया, लेकिन बाद में उसको पता चल रहा है कि 20% लाइबिलिटी बेयर करने की भी उसकी हैसियत नहीं है. अगर उसकी लाइबिलिटी 20% आती है तो he won't be able to pay the amount equivalent to 20% of his liability to the company. तो ये समझने के बाद उसने डिसाइड किया कि भाई अपना लाइबिलिटी 20% अपन ने तो लिया, क्यों? कितना, जितना ज्यादा लाइबिलिटी लेंगे उतना कमीशन ज्यादा मिलेगा. जितना लाइबिलिटी, क्योंकि कमीशन का कैलकुलेशन किस पे होता है? फॉर्मूला डिस्कस किया ना अपन ने. कमीशन का लाइबिलिटी कैलकुलेशन किस पे होता है? ग्रॉस लाइबिलिटी. तो जिसकी ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होगी, उसको कमीशन भी क्या मिलेगा. तो उसको ना कमीशन चाहिए था, इसके लिए उसने लाइबिलिटी बोला 20% दो मुझे. एक्चुअली उसका हैसियत 5% का था, लेकिन उसने कितना लाइबिलिटी लिया? 20%. क्यों? कमीशन ज्यादा मिलेगा इसलिए. ठीक है, लेकिन बाद में पता चला यार 20% लाइबिलिटी लिया है, अगर ये लाइबिलिटी, इफ आई एम नॉट एबल टू मेक गुड द लाइबिलिटी, तो कमीशन मेरे का, कंपनी मेरे अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकता है, कंपनी मेरे अगेंस्ट. तो उसने एक आइडिया किया, उसने अपना लाइबिलिटी जो लिया है 20%, वो उसने डिसाइड किया किसी के साथ शेयर करते हैं. किसी के साथ क्या करते हैं? तो ये मिस्टर एक्स ने और दो लोगों को अपॉइंट किया. ठीक है, से इसका नाम है ए और इसका नाम है बी. ठीक है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है? ए और बी को किसने अपॉइंट किया बताओ? एक्स ने. इनको कंपनी ने अपॉइंट किया है क्या? ठीक है, सो ए, सॉरी एक्स, वाई एक्स इज अपॉइंटिंग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्योंकि उसको अपना लाइबिलिटी क्या करना है? शेयर. किसके साथ शेयर करना है? क्योंकि वो अकेला उतना लाइबिलिटी बेयर नहीं कर सकता. तो जब ऐसा केस होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? को अंडरराइटिंग या सब अंडरराइटिंग. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को अंडरराइटिंग एंड सब अंडरराइटिंग? को अंडरराइटिंग में अंडरराइटर्स को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी. सब अंडरराइटिंग में एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं. तो इसको अपन प्रिंसिपल अंडरराइटर कहेंगे. एक्स को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल अंडरराइटर. और इनको क्या कहेंगे? सब अंडरराइटर्स. क्या कहेंगे इनको? सब अंडरराइटर्स. दोस्तों समझ में आ रही है बात? ओके, सब अंडरराइटर को कमीशन किससे मिलेगा? प्रिंसिपल अंडरराइटर. प्रिंसिपल अंडरराइटर को कमीशन किससे मिलेगा? कंपनी. क्लियर हो रहा है? सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल अंडरराइटर एंड को अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कंपनी और प्रिंसिपल अंडरराइटर. दोस्तों सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब समझो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने शेयर्स इशू किए. सेम एग्जाम्पल में कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शॉर्टफॉल आया. शॉर्टफॉल आने के बाद कंपनी ने एक्स को बोला कि तुझे इतने इतने शेयर्स खरीदने हैं. एक्स को बोला तुझे इतने इतने शेयर्स. तो एक्स अकेला वो शेयर खरीदेगा या वो ए और बी को भी कुछ शेयर्स देगा? तो वो गया ए और बी के पास, उन बोला कि मेरी लाइबिलिटी इतनी आई है. अपना पहले ही समझौता हुआ था कि कुछ शेयर्स ए खरीदेगा, कुछ शेयर्स बी खरीदेगा. ठीक है, सो ए और बी को बुलाया, बोले कि आपको इतने इतने शेयर्स खरीदने हैं. वो भाग गए. ए और बी ने शेयर्स खरीदे. पहले उन्होंने सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, लेकिन बाद में शेयर्स खरीदने से मना कर दिया. अब मिस्टर एक्स कंपनी के पास चले गए. उन्होंने कंपनी को पूरा सीन समझाया कि आपने जब मुझे लाइबिलिटी 20% दिया था तो मैंने ये लाइबिलिटी शेयर किया था ए और बी के साथ. ए और बी ने तब मेरे से प्रॉमिस किया था, यह सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने इतने शेयर्स वो खरीदेंगे. अब वो भाग गए, अब वो शेयर्स नहीं खरीद रहे, तो इसलिए मैं भी आपके 20% शेयर्स नहीं खरीद सकता. ये शेयर्स रख दो, मैं जा रहा हूं. ऐसा कर सकता है क्या? एक्स. यानी सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ. क्या? किसका कॉन्ट्रैक्ट? तो कंपनी सब अंडरराइटर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकता है क्या? कंपनी सब अंडरराइटर के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल. यानी कंपनी ये एक्स, सॉरी ए और बी को लीगली सू कर सकता है क्या?
नहीं कर सकती. कंपनी को अगर लीगल सूट फाइल करना है तो किसके अगेंस्ट? एक्स अगेंस्ट. द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपकी लॉ की भाषा में बताना है तो द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब सॉरी ऑफ को अंडरराइटिंग, द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ को अंडरराइटिंग इज बिटवीन द कंपनी एंड प्रिंसिपल अंडरराइटर. सो इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू फाइल ए लीगल सूट, द कंपनी कैन फाइल ए लीगल सूट ओनली अगेंस्ट द प्रिंसिपल. सब अंडरराइटिंग का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल अंडरराइटर एंड, तो सब अंडरराइटर अगर शेयर्स खरीदने से मना कर दे तो प्रिंसिपल अंडरराइटर नीड्स टू सू देम. जेपा, ओके, कमीशन. कमीशन का फ्लो किससे किसको किस पे होगा? कौन पहले किसको कमीशन देगा? कंपनी किसको देगा? प्रिंसिपल अंडरराइटर. और प्रिंसिपल अंडरराइटर किसको कमीशन देगा? एकदम क्लियर. ओके चलो, अब हम किसके लाइबिलिटी का कैलकुलेशन सीखेंगे दोस्तों? सब अंडरराइटिंग, सब अंडरराइटिंग के लाइबिलिटी का कैलकुलेशन सीखेंगे. को अंडरराइटिंग का सीखेंगे, तो सिंगल अंडरराइटिंग तो हम सीख चुके हैं, तो हम को अंडरराइटिंग और सब अंडरराइटिंग में से क्या सीखेंगे या दोनों सीखेंगे? को या सब या दोनों? सिर्फ को. सब नहीं सीखने वाले, सबका सिर्फ थियरी पढ़ेंगे. क्यों पूछो? क्यों? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सब्जेक्ट का नाम हम भूल गए, सब्जेक्ट का नाम कंपनी अकाउंट्स. तो लाइबिलिटी का कैलकुलेशन कौन करेगा? कंपनी. कंपनी किसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगी? को अंडरराइटर्स की या सब को? सबसे कंपनी को कोई मतलब? सब अंडरराइटर और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही, तो जो भी हम कैलकुलेशन सीखते हैं वो सिर्फ को अंडरराइटिंग का. सब अंडरराइटिंग है हमें थियरी के लिए, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं. कैसे क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, राइट ए नोट ऑन सब अंडरराइटिंग, राइट ए नोट ऑन को अंडरराइटिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन को अंडरराइटिंग एंड सब अंडरराइटिंग. ठीक है, आई होप ये समझ में पक्का. दो दो हो जाए पंक्तियां, लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, ऐसे ऐसे करके लिख दो टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग. थियरी डिस्कस हो गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व शुरू हो जाएंगे. सबको थियरी समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो, सो टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग करके लिख देना पहला सिंगल अंडरराइटिंग और दूसरा को अंडरराइटिंग. आप लोगों को ट्रम्प साहब बहुत पसंद आए शायद, डांस अच्छा है. बेटा राहुल गांधी लाइक कोई कंसेप्ट आया नहीं, जब आ जाएगा तब लेके आएंगे उनको भी. बताएं आप, डिक्टेट करें सिंगल अंडरराइटिंग में. सच कॉन्ट्रैक्ट सिंगल अंडरराइटिंग के नीचे लिख दो, सच कॉन्ट्रैक्ट is between company and only one underwriter. Such contract is between company and only one underwriter. Only one underwriter. Such contract is between company and only one underwriter. Co-underwriting. बताएं. When company appoints more than one underwriters, when company appoints more than one underwriters to distribute the risk, to distribute the risk on account of shortfall, to distribute the risk on account of shortfall. To distribute the risk on account of shortfall. Such contract is known as contract of co-underwriting. Such contract is known as contract of co-underwriting. आपको ये कुछ निकालना है डायग्राम वाइग्राम तो आप निकाल सकते हो. सिंगल को अंडरराइटिंग, ये विजुअल्स के पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है, बस वो देख के आपको कंसेप्ट याद रहे. एग्जामिनेशन में को और सिंगल अंडरराइटिंग में आपको याद आ जाए कि भाई सिंगल अंडरराइटिंग में ट्रम्प साहब नाच रहे थे, तो एक ही अंडरराइटर है यहाँ पे. ओके, अब दोस्तों सब अंडरराइटिंग के बारे में दो पंक्तियां लिख दीजिएगा.
व्हेन अ प्रिंसिपल अंडरराइटर, व्हेन अ प्रिंसिपल अंडर, सब अंडरराइटिंग करके हेडिंग देना, सब अंडरराइटिंग, व्हेन अ प्रिंसिपल अंडरराइटर, व्हेन अ प्रिंसिपल अंडरराइटर अपॉइंट्स, व्हेन अ प्रिंसिपल अंडरराइटर अपॉइंट्स, व्हेन अ प्रिंसिपल अंडरराइटर अपॉइंट्स, appoints sub underwriters to share his individual liability, to share his individual liability, to share his individual liability. Such contract is known as contract of subunderwriting, is known as contract of subunderwriting. Uske aage sub underwriter receives commission, sub underwriter receives commission from principal underwriter, sub underwriter receives commission from principal underwriter. हो गया आगे बढ़े बढ़ते हैं. अब दोस्तों क्वेश्चंस हो जाए, थ्योरी पूरा समझा पक्का. ये रहा आपके सामने अगला सवाल. चार क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे, आज भी कोशिश करते हैं चार पांच क्वेश्चंस खत्म करने की. आपके लिए रीड करते हैं क्वेश्चन. ए लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स, लिख दो ए लिमिटेड इशूज 10,000 शेयर्स of face value 100. A limited issues 10,000 shares of face value 100 at par. Mr. A and Mr. B are appointed as underwriters. Mr. A and Mr. B are appointed as underwriters with equal liability. With equal liability and 4% commission. With equal liability and 4% commission. उसके बाद public subscription is for 6,500 shares. Public subscription is for 6,500 shares. Calculate liability and commission. Help चाहिए? पक्का? चलो पहला क्वेश्चन है, साथ साथ करते हैं. चलो कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग देंगे हम हमेशा की तरह. Calculation of liability and commission. Calculation of liability and commission. Serial number, particulars. कितने underwriters है दोस्तों? तो कितने column बनाएंगे? 3 column, याद रखना. हाँ, इसके लिए बोला साथ साथ सॉल्व करते. पहला क्वेश्चन है, एक कॉलम टोटल का भी बनता है, ठीक है? जब भी एक से ज्यादा आते हैं ना तो हमेशा प्रॉब्लम होता है. अंडरराइटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो याद रखना, एक से ज्यादा अंडरराइटर्स जब भी आएंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में, तो जितने अंडरराइटर्स उतने कॉलम और एक टोटल का कॉलम बनाना भूलना नहीं.
सो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी आपने सिर्फ बनाया होगा तो ए के लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल का कॉलम बना लो पहला क्वेश्चन में, काटने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा कॉलम। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ठीक ठीक कर देना। ओके अब शुरुआत कर सकते हैं। सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर वन क्या होगा? ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में कितनी लाइबिलिटी है परसेंटेज में? ए की 50% क्वेश्चन पढ़ा है सब लोगों ने, 50%। बी की कितनी लाइबिलिटी है? बी की भी 50%। और सी के, सी है ही नहीं, ए और बी है, टोटल कितनी आ रही है? तो क्वेश्चन पार्शियल अंडररेटिंग का है या कंप्लीट? 100% लाइबिलिटी आती है तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ कंप्लीट अंडररेटिंग। आई होप ये सबको समझ में आ गया। सो ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज के बाद हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी किसमें? शेयर्स में। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे बताओ जरा? 10,000 शेयर्स इशू किए थे। सो 10,000 शेयर्स के 50% यानी 5,000 शेयर्स ए की लाइबिलिटी होगी, और 10,000 शेयर्स के फिर से 50% 5,000 किसकी लाइबिलिटी होगी? बी की। ऐसे दोनों की मिला के 10,000 शेयर्स हो गई, यानी समझो पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती, तो ए को 5,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और बी को 5,000 शेयर्स। चलो उसके बाद दोस्तों आगे क्या, ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में आने के बाद हम क्या करते हैं? लेस क्रेडिट फॉरवर्ड, क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कितना क्रेडिट है? अब पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे दोस्तों? 6,500। उसमें से ए को कितना क्रेडिट मिलेगा? 6,500 के 50% 3,250। और बी को कितना मिलेगा? 3,250। टोटल कितना क्रेडिट हुआ? 6,500। इतना क्रेडिट मिल गया ए और बी को। ओके सो इसके बाद जो आएगी वो क्या रहेगी? एक्चुअल लाइबिलिटी। एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आएगी? 1,750। टोटल 3,500। आगे आंसर करेक्ट। चलो उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा दोस्तों? कमीशन। कमीशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला? सीरियल नंबर टू इनटू इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना थी? 100 एट पार था, सो फेस वैल्यू 100 एट पार, तो इश्यू प्राइस भी 100 इनटू रेट ऑफ कमीशन 4%। सो कितना आएगा कमीशन का? यस 20,825, 20,000 only, only 20,000, okay। उसके बाद फिर से 20,000 total। आई अब सबको जेपा है पक्का? okay। ये क्वेश्चन पहला यानी अपना क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सीरियल में, अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया है ना, समझा पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का बढ़ सकते हैं? किसी को डाउट तुरंत पूछना। 1% भी रहेगा, 0.5% होगा या 0.01% होगा, तो भी इमीडिएटली गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के काबिल बन चुके हो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स लिमिटेड इश्यूज 15,000 शेयर्स of face value 10 at 20% premium। तो पार वाला केस है या प्रीमियम वाला? इश्यू प्राइस कितनी होगी? 10 रुपीज प्लस 20% 12 रुपीज। मिस्टर सलमान एंड मिस्टर विवेक आर अपॉइंटेड एज अंडर राइटर्स। सिंगल अंडर राइटिंग है या को अंडर राइटिंग? को अंडर राइटिंग विथ 60% 40% एंड 60% लाइबिलिटी रेस्पेक्टिवली एंड 3% कमीशन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 3,500 शेयर्स। कैलकुलेट लाइबिलिटी एंड कमीशन। चलो कर लो कैलकुलेट।
मेरी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है अब ये क्वेश्चन में, आप खुद से कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आराम से सॉल्व कर दो, सॉल्व होने के बाद डिस्कस करेंगे साथ साथ। तब तक आप लोगों की नोटबुक्स चेक करता हूं मैं, ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं रहा तो कट कर देंगे, सोल्यूशन ही कट कर देंगे आपका, रिसॉल्व करना। फिर देवी जी लाइन नहीं मारते आप, चलो कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए। गुड, लाइन मार रहे हो, मारते रहो मारते रहो। टोटल का कॉलम भूलना नहीं है, अच्छे से प्रेजेंट करना बेटा। अब लाइन मारने के लिए कम से कम खुद की चीजों का इस्तेमाल करो, बुक पे लाइन मारते वक्त भी दूसरों की हेल्प लेते हो, कैसे होगा आपका, मुश्किल है। आप लोग लाइन नहीं मारते हैं? मारते हैं, ओके, होने के बाद ठीक है। सब होने के बाद लाइन मार के क्या फायदा, पहले मारते जाइएगा लाइन जरा। बोलिए बेटा, माइक बंद करना है। हाँ, कमीशन, क्वेश्चन में क्या बोला था, एंड 3% कमीशन, बस इतना ही बताया, ऐसे मेंशन किया है। कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, नहीं कमी, हाँ तो नहीं बोला, तो हमेशा कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है अपना 12, तो ₹12 पे कमीशन कैलकुलेट करो। अब सीरियल नंबर 2, इसके शेयर्स कितने हैं, हर एक का कमीशन अलग अलग कैलकुलेट होगा। सलमान का कमीशन उसके लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करना, और विवेक का कमीशन उसके लाइबिलिटी पे। पहले से सलमान और विवेक की बनती नहीं है, और दोनों का कमीशन एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो पंगा हो जाएगा। हो गया, गुड। लाइन नहीं मारा इसने, सीख रहा है। आपके क्लासमेट्स को देखो, बैचमेट्स को, वो पहले लाइन मारते बाद में लिखते हैं, कुछ तो सीखो। हो गया, गुड। आराम से सॉल्व करना है, सब लोगों ने समझना जरूरी है। चलो सो शुरुआत करें सॉल्यूशन से, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कमीशन चेक कर लेना, शायद आप लोगों का सॉल्व करके हो गया होगा। कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कमीशन, लाइबिलिटी और कमीशन का कैलकुलेशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और कौन कौन है अंडरराइटर्स, सलमान, सलमान जी हैं और विवेक जी हैं। टोटल शुरुआत कहां से करनी है हमने, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। सो ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज,
सो परसेंटेज में लाइबिलिटी कितना परसेंट आएगी? 40% सलमान के, 60% विवेक के, टोटल 100% यानी कंप्लीट लाइबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसके बाद लेस, सॉरी सीरियल नंबर टू इज ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स। सो ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने, टोटल कितने शेयर्स इशू किए? 15,000। तो 15,000 के 40% सलमान की लाइबिलिटी होगी, 15,000 के 40% 6,000, और 15,000 के 60% 9,000 रुपया विवेक की लाइबिलिटी। सो टोटल शेयर्स इशूड के लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, 15,000 के 40% और 60%। लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद लेस क्रेडिट फॉर किसके लिए क्रेडिट? ए यस, क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। सो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए है? 9,500 के कितना परसेंट क्रेडिट सलमान को मिलेगा? 9,500 के 40% कितना आता है? 3,800। और विवेक को 5,700। टोटल 9,500 है, टोटल 9,500 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट लेने के बाद जो लाइबिलिटी आएगी उसको हम कौन सी लाइबिलिटी कहेंगे? एक्चुअल लाइबिलिटी। सो एक्चुअल लाइबिलिटी दोस्तों कितनी आ गई? 2,200 सलमान की, विवेक की कितना? 3,300 विवेक की, टोटल 5,500। उसके बाद किसका कैलकुलेशन होगा? कमीशन। कमीशन का फॉर्मूला क्या है? सीरियल नंबर टू यानी ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस। कितनी थी इश्यू प्राइस यहाँ पे? 12 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, और प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस। तो कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 20 और परसेंट का बटन दबाओ, ठीक है। सो बहुत बच्चे 10 + 20 करते हैं और 30 रुपीज आ जाता है इश्यू प्राइस। 20 रुपीज प्रीमियम नहीं है, 20% है। तो 10 + 20 और परसेंट का बटन दबाने का 12 रुपया इश्यू प्राइस मिलेगी इंटू रेट ऑफ कमीशन 3%। तो कितनी आएगी कमीशन? अब सलमान की कमीशन कैलकुलेट करते हो, सीरियल नंबर टू सलमान के 6,000 इंटू इश्यू प्राइस 12 × 3% कितना आएगा? 2,160। और सेकेंड केस में 9,000 × 12 × 3% 12 × 3% 3×2 टोटल कमीशन कितना आ गया? 5,400 ये कमीशन आ गए। आई होप ये सबको समझ में पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करें, ठीक है। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, मिस्टेक्स हो गई होगी रेक्टिफाई कर लीजिएगा। कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया है? वाओ, यानी सबको कंसेप्ट समझ में आ, तो थोड़ा सा लेवल चेंज कर सकते हैं अभी, करें? चलो करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हेल्प नहीं चाहिए ना, पक्का करोगे? चलो सॉल्व करना, बाद में फिर से डिस्कस कर लेते हैं आपको होने के बाद। क्वेश्चन मार्क में इंसान छुपा है, जब तक आंसर आप नहीं सॉल्व करते तब तक वो क्वेश्चन मार्क वाला इंसान बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है। आंसर सही आंसर कैलकुलेट कीजिएगा और उसको बाहर निकालिएगा। A limited issues 40,000 shares, face value 10, premium 10%. Then ये case में भी issue is at par or at premium. Premium. Mr. Virat, Mr. Dhoni and Mr. Rohit are appointed as underwriters with liability of 30%, 40% and 20%. So liability की अगर percentage देखते हो तो कितना percent आ रहा है? 90%। यानी क्या ये कंप्लीट अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है या पार्शियल? पार्शियल अंडरराइटिंग वाला क्वेश्चन है ये, बस यही चेंज है। देखते हैं अब कैसे सॉल्व करते हो। अभी तक के पहले दो क्वेश्चंस कंप्लीट अंडरराइटिंग के थे, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो पार्शियल अंडरराइटिंग का है। पार्शियल अंडरराइटिंग में कैलकुलेशन थोड़े समझ समझ के करना, आ जाएगा आप लोगों को, मुश्किल नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कमीशन ऐसा हेडिंग दिया होगा आपने, उसके बाद सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, और कितने कॉलम बनाओगे यहां पे? चार। विराट, धोनी, कोहली जो भी है, और उसके बाद टोटल। विराट, धोनी, कोहली और टोटल का कॉलम नहीं, रोहित है, विराट, धोनी और रोहित, और उसके बाद टोटल का कॉलम। जितने अंडररेटर्स प्लस वन कॉलम, हो गया आंसर्स, वेट करना है, चलो 2 मिनट और देते हैं। कोशिश करो आ जाएगा, नहीं तो मैं हूं। कोई डाउट क्वेरी नहीं है, अच्छी बात।